यस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वन एकेडमी अगेन दोस्तों। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एलजेब्रा का चैप्टर है जो आपका स्टैटिस्टिक जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, अधूरा छोड़ा था। ठीक है, आज वी आर ट्राइंग टू कवर एक्सरसाइज नंबर जो आपका 6.1 है, हम पूरा कोशिश करेंगे खत्म हो जाए आज। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों हमने कवर अप किया था डायरेक्ट मेथड, आई होप आपने घर पे अच्छे से किया होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथड नंबर 2 था आपका अज्यूमिंग मेथड। ठीक है, उसमें कितने कॉलम बनेंगे आपके दोस्तों? टोटल 5 कॉलम्स आपके बनने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। दैट इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ टोल बाय अज्यूमिंग मेथड। जो आपका लास्ट सेंटेंस होगा, मीन ऑफ द टोल इज सो एंड सो रुपीज, बिकॉज यहाँ पे आंसर रुपीज में आएगा आपका। क्लियर, 5 कॉलम है दोस्तों। कॉलम में क्या क्या बनेगा आपको तो 4 तो पता ही है, खाली 5वां मुझे ऐड करना है। ठीक है, 4 कॉलम क्या था? सबसे पहला सर आपका क्या था? क्लास था। ठीक है, क्लास के बाद आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सर क्लास मार्क। थैंक यू बेटा, लोग एक्सरसाइज डिनोट करेंगे। उसके बाद जो नया आया है डी आई, डी आई इज इक्वल टू वॉट, ये स्टैंड करता है आपका दोस्तों डेविएशन से। ठीक है, ये क्या होगा आपका? डेविएशन हो जाएगा। क्लियर, और इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, ए स्टैंड फॉर वॉट? अज्यूम्ड मीन, जो हमने बोला है कि हमको मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। ठीक है, डी कैसे मिला दोस्तों? डी मिलेगा आपको एक्स आई माइनस ए। एक नया कॉलम आ गया आपके लिए, बाकी सभी के सभी सेम है। फिर दोस्तों आपको जो चौथा कॉलम होगा दोस्तों कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी का होगा, उसको हम डिनोट करते हैं एफ आई से। एंड फाइनली जो फिफ्थ वन होगा वो होगा आपका डी आई इन टू वॉट? एफ आई। पहली ब्लैक अपडेट, ये हो गए आपके 5 कॉलम। आई होप आप इसको याद कर लेना पूरा। ठीक है, 4 तो पहले से, कल नया क्या बना है आपको ये बना है। क्लास में क्या कह दिया क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको 300 to 400 टोल दिया गया है। ठीक है, टोल पीस में दे दिया गया है, 300 से लेके कितना दिया है वो 400 दिया हुआ है। देन 400 to 500, 500 टू कितना है 600, 600 टू है वो 700 है, और 700 से कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 800। आपको दे दिया गया है 700 से लेके 800 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्लास मार्क लिख लिया है, क्लास लिख दिया। क्लास मार्क कैसे मिलेगा सर? दोनों को ऐड करिए आप लोग और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करिए। तो फर्स्ट कितना होगा आपका 350, ये कितना होगा आपका 450, दिस कम्स टू 550, 650 और 750 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी आई थिंक आपको प्रोवाइड की है। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया गया है? 80, 110, 120, 70 और 40। इसका समेशन करना होगा। देखिए फर्स्ट थिंग दे दिया है सर, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, ये आपको आता है निकालने के लिए। अभी डी आई सीखना है। डी आई मतलब सबसे पहले क्या होगा आपका? ए, ए मतलब अज्यूमिंग। अब ये जो आपको 5 दिया है ना क्लास मार्क, इसमें कोई भी मान लो अज्यूमिंग, कोई भी, लेकिन मैं हमेशा पहला मानता हूँ। पहला क्यों मानता हूँ? रीज़न है उसके पीछे कि वो पॉजिटिव मेरे आंसर आते हैं। आपको क्लास में, स्कूल्स में सेंटर वन बताएंगे 550 मानो आप, ठीक है, तो ऊपर के 2 जो नेगेटिव आएंगे, नीचे के 2 पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको प्लस माइनस का थोड़ा तकलीफ होगा। क्लियर, 350 हो गया। अभी एक्स आई का वैल्यू कितना है? 350, और ए का वैल्यू कितना है? 350। माइनस किया, आंसर कितना आएगा आपका? 0। चलो फिर एक्स आई का वैल्यू कितना है? 450। ए का वैल्यू कितना है? 350। डिफरेंस कितना आएगा आपका? 100। एक्स आई का वैल्यू कितना है? 550। इसका 350 कितना आएगा? 200। इसका 300, और इसका कितना होगा आपका? 400। आई होप आपको यही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ क्या आपका इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल है, ये आपका एक्स आई का वैल्यू था और ये आपका ए का वैल्यू, माइनस करना है आपको, ये मिल गया।
सेकेंड ये किया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आ गया। अब इसका क्या करना है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट विल बी ज़ीरो, ये कितना होगा, इलेवन वन सा इलेवन, वन टू थ्री ज़ीरो, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, वन टू थ्री ज़ीरो हो गया आपका, ठीक है। और कितना आएगा, सात केस 21,000 एंड फोर्थ 16,000 आई थिंक, यस आंसर आपका 16,000। ये टोटलिंग करेंगे, दिस कम्स टू 420 एंड दिस कम्स टू हाउ मच, 72,000, देख लेना आप, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी जो निकालना है आपको, क्या निकालना दोस्तों, डी बार निकालना। डी बार कैसे निकलेगा, कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ व्हाट एफ आई, एफ आई डी आई का वैल्यू कितना दिया गया आपको यहाँ पे, 72,000 डिवाइड बाय, इसका वैल्यू कितना है, 420। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हो प्रॉपर, यू विल बी गेटिंग द आंसर 171.43, कितना आपको आंसर आएगा। घर पे आपको डिवीजन करना, देखें डिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या निकालना आपको, मीन निकालना। मीन का वैल्यू क्या होगा, एक्स बार। एक्स बार कैसे होगा दोस्तों, ये जो मिलेगा ए प्लस डी बार, क्या मिलेगा आपको, ए प्लस डी बार। ए का वैल्यू दट हीरो वेरिएबल, क्या दिया आपको, ए का वैल्यू 350 रुपया, डी का वैल्यू हमने निकाला, कितना निकाला, 171.43 अप्रॉक्स में वैल्यू है। दोनों को ऐड करेंगे आप अभी, दिस कम्स टू आई थिंक 521.43 रुपीज़ में होगा, ठीक है। आंसर सर रुपीज़ में कैसा है, बिकॉज टोल किस में दिया गया था आपको, रुपीज़। और पूछा गया है, देखो आपको क्या पूछा है इसमें, कि मीन ऑफ द टोल, और टोल का आंसर किस में आपको इसमें है, तो लास्ट आंसर द मीन ऑफ द टोल इज रुपीज 521.43, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, डन। चलो वेरी गुड, ये हमने क्वेश्चन नंबर टू कर लिया। कौन सा मेथड था, अज्यूमिंग मेथड। वापस से एक हल्का सा रिवीजन करता हूँ मैं। नंबर ऑफ कॉलम पाँच, कितने होंगे, पाँच, पहला क्लास, दूसरा क्लास मार्क, ये तो आप लोग बना लो घर पे, ठीक है। तीसरा डी आई नया है, यही इंपॉर्टेंट है। चौथा दिया रहेगा, पांचवा आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, सिंपल सा। डी आई कैसे मिला, यहाँ पे डी आया और ए आया, डी स्टैंड फॉर व्हाट, डेविएशन, ए फॉर व्हाट, अज्यूमिंग। डेविएशन कैसे मिला आपको देखते हैं, वो मिला था आपको कि ये जो एक्स आई है, ये जो आप सिंपल एक्स आई का वैल्यू दिया गया है, ये सभी के सभी एक्स आई, एक्स आई का वैल्यू है, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या था आपका, 350, आपने माइनस करते गए, आपको ये आंसर आते गया, जैसे 350 माइनस 350 कम्स टू जीरो, 450 माइनस 350 कम्स टू 100, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर आया, आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का ऐसे क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, और आपको क्या मिल गया, एफ आई डी आई मिल गया, या डी आई एफ आई मिल गया, एक ही बात है। टोटलिंग किया, इतना आ गया और इतना आ गया, ठीक है। आपका ये आंसर आया, किसका, डी बार का आंसर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद मीन का आंसर आपका ये आया, मानिए। तो आप ये जो भी सम आएगा, आपको 3 से 4 मार्क का सम आने वाला एग्जाम के अंदर, ये आप लोग देख लेना दोस्तों। चलो आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू अपना हो गया है, ठीक है। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री इस बार डायरेक्ट मेथड, ये आप कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो। देखो सेंटेंस मिल गया आपको, फाइंड द मीन ऑफ प्रोडक्शन बोला है, ठीक है। कितना बोला है, प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन में क्या बोला है, 1000 रुपीज में दिया गया है, 1000, मतलब लास्ट में जो भी आंसर आएगा फ्रेंड्स, आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना आप लोग। लास्ट में जो भी आंसर आएगा, दैट शुड बी मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 1000। चलो क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे हम लोग। चलो दोस्तों कॉलम बताओ, कॉलम सर, कॉलम में आएगा सर, बनाइए ना, क्लास, दूसरा सर क्लास मार्क, सर नीचे लिखो एक्स आई, बना लिया, फिर क्या होगा, डी आई, डी आई कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस ए मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या निकालना है आपको सर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट करेंगे, एफ आई से, एंड फाइनली एफ आई इन टू डी आई, ये आपके 5 कॉलम बन गए। लेट्स सी क्या क्या दे दिया गया आपको। इसमें दिया गया है कि
25 से लेके 30 है और लास्ट में 50 है, ठीक है, 5 का डिफरेंस है, 25 to 30, ठीक है। ये आपको क्या बोला, रुपीज़ इन थाउजेंड में, मतलब ये कितना है, ये 25,000 और 30,000 है दोस्तों, ठीक है। ये 30 से लेके 35 से लेके 40, 40 से लेके 45 से लेके 50, ये दे दिया गया दोस्तों। इसका मिड पॉइंट निकालिए, 27.5 डिवाइड कर दिया, डिवाइड पर 2, या फिर 5 का डिफरेंस है, ढाई ढाई बांट दिया मैंने, ये कितना आएगा आपका 32.5, ये कितना आएगा आपका 37.5, ये आएगा आपका 42.5 एंड फाइनली 47.5 दोस्तों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए कितना दिया आपको, फ्रीक्वेंसी 20, 25, 3, 10 और 10, ये दे दिया गया मेरे दोस्त, ठीक है। यस, हल्का सा रिवीजन वापस से होगा, हल्का सा रिवीजन फिर से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है क्लास, और क्लास किस में दिया गया आपको, क्लास आपको दे दिया गया है 1000 में दिया गया, इसका मतलब क्या, लास्ट में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आंसर आए, वेरी गुड। चलो आप स्टार्ट करें आपका आंसर, सर ये समझ गए आप लोग, यस। अभी ए कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए, ए मतलब अज्यूमिंग, मैंने क्या बोला 27.5, अब 27.5 जो अज्यूम किया हमने वो एक्स आई है आपका, माइनस करेंगे उसमें से ए, तो दिस कम्स टू व्हाट, जीरो। फिर 32.5 माइनस सी, ये कितना आएगा आपका 5, ये 10, ये 15 और ये कितना आएगा आपका 20, देख लेना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है इसके लिए, वो डिफरेंस मिलता जाएगा आपको, क्लियर। इसका ऐसा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, 25, 5 ज़ा कितना हुआ दोस्तों 125, 15 टेन ज़ा 150, ये भी कितना होगा 150, ये कितना हुआ 200 रुपये, ये टोटलिंग करिए कितना आ रहा, 5 5 10, 2 2 4 5 6 7, ये हो गया आपका 80, ये कितना हुआ दोस्तों देखते हैं, ये हो गया आपका 5 2 12 2 2 3 4 5 और 6 625। चलो देखिए दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए क्या आया है क्या नहीं है। पहला क्या दिया था आपको दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया था कि क्लास दे दिया गया था आपको, क्लास 1000 में दिया है, याद रखना ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आपको, आपको बोला है कि क्लास मार्क, ये निकाल लिया आपने, ये कैसे निकाला, देखिए यहाँ पर एक जगह है, मैं लिख देता हूँ आपको, एक्स का वैल्यू पहले कितना, एक्स का वैल्यू 27.5 और ए का वैल्यू कितना है 27.5, जीरो हो गया आपका। एक्स का वैल्यू 32.5 और ए का वैल्यू कितना 27.5, आया 5, ठीक है, 37.5 और ये कितना है आपको, कितना, ये हो गया आपका, नहीं कर लिया। अभी जो निकालना आपको क्या निकाला फ्रेंड्स, आपको निकालना डी बार, डी बार कैसे निकलेगा आपका, कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय समेशन ऑफ व्हाट एफ आई, ये कितना वैल्यू आया है 625 डिवाइड बाय 80, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.8125 आएगा, क्या आएगा आपका आंसर 7.8125, डिवाइड कर लेना इसको हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया, अभी क्या निकालना आपको, मीन, मीन निकालना है, मीन कैसे दे, एक्स बार से, तो कैसे मिलेगा ए प्लस डी बार, ए का वैल्यू कितना है 27.5 प्लस डी का वैल्यू कितना है 7.8125, अभी इसको ऐड अप करना है दोस्तों, ऐड करना बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्त कभी कभी बच्चे लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं, पॉइंट है ना डेसिमल की वजह से, तो यहाँ पे क्या दिया आपको 27.5, ठीक है, यहाँ पे 7 जो प्योर नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 8125, ऐसे ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 1 2 3 0 आ गए, चलो 5 2 1 3 कैरी 1 5, ये आपका आंसर आ गया 35.3125, एज आई टोल्ड यू, ये आपको किस पे दिया गया है 1000 में, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
therefore 35.3125 into 1000 कितना जीरो है, 1 2 3, तीन के आगे पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो 35.3125 पीस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो उसका टेबल में जो लिखना है आपको कि द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज 35,312.5, ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, 40 मार्क का दोस्तों जो आपका एलजेब्रा का एग्जाम होगा उसमें से ऑलमोस्ट 25% मार्क एक और करता है दोस्तों चैप्टर। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन, हल्का सा फॉर्मूला दिया गया है लेकिन इंपॉर्टेंस क्या आपका डिविजन में, अभी 7.8125 कैसे आए आपको डिवाइड करना है, ये तो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि 625 था उसको कैसे डिवाइड किया, क्या किया। ठीक है, थोड़ा घर पे बैठ के आप लोग करिए। क्लियर हुआ इतना दोस्तों? हाँ जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये के दिया गया था और ये के दिया गया था, आपने निकाला है ये इम्पोर्टेंट। मैंने क्या बोला, इम्पोर्टेंट है क्या डी आई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ए अज्यूम कर लो, हमने क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट वाला अज्यूम किया था, अभी आप घर पे इसको ए वाला ए भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जब ए अज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। ठीक है, और ये हो गया आपका ए का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे आपको -10 आएगा दोस्तों, ये थोड़ा आपको माइनस में कन्फ्यूज हो जाएगा, इसके लिए मैंने फर्स्ट वाला प्रेफरेंस किया हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव डन विद द क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 आपका हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5 और 6 क्या बोला है, ये देव आपको बोला है कि स्टेप डेविएशन मेथड बोला, कौन सा मेथड बोला आपको, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो करते हैं, ये आपका मेथड नंबर 3। तो बोलो दोस्तों कितने कॉलम बनेंगे, तो यहाँ पे आपके कॉलम बनेंगे 6, कितने बनेंगे आपके कॉलम, 6 कॉलम बनने वाले हैं, स्टेप डेविएशन है ना इसके लिए। तो क्या क्या बनेगा, लेट्स सी, जिसमें से 5 कॉलम तो आपका कौन सा होने वाला है, अज्यूम मीन का होने वाला है, एक कॉलम नया आएगा। तो सबसे पहला हो जाएगा क्लास हो जाएगा, दूसरा आप हमेशा बताते हो मुझे क्लास मार्क एक्स आई से आएगा, तीसरा डी आई, यस वेरी गुड, कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम, चौथा कॉलम बनेगा यू आई बनेगा, ये जो नया कॉलम आया है, ये कैसे मिलेगा कि डी आई अपॉन जी, जी स्टैंड फॉर गैप। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां कॉलम, आपका कौन सा रहेगा दोस्तों, फ्रिक्वेंसी एफ आई से, एंड फाइनली क्यू आई इंटू एफ आई, ये रहा आपका कॉलम दोस्तों। क्लास, क्लास मार्क, ये आपको पता है कैसे निकालना है, ये नया कॉलम आया है, ये जो आंसर आया है डी आई का आंसर यहाँ लिखेंगे हम लोग, जी गैप होगा, बताऊँ गैप कैसे ढूंढना है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और ये आपको इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय 120 वर्कर इन ए कंपनी फॉर ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, द मीन ऑफ द फंड बोला है ना, रुपीज में होगा आपका, ये लास्ट आंसर है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। पहला कितना दिया है, 0 से लेके 500 और 2500 तक दिया हुआ है, मतलब 500 का डिफरेंस है। ठीक है, 0 से लेके 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000 and 2000 to 2500, ये आपका 5 दे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया मेरे भाई, देखते हैं आप लोग, 35 दोस्तों, 35 दिया गया है, 28 है, 32 15 और 10, ये आपको क्या दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया दोस्तों। ठीक है,
ये रहा आपको जो क्वेश्चन में प्रोवाइड दो चीज़ दिया गया था, अब रेस्ट ऑफ द थिंग कैसे निकालना है देखते हैं। पहले क्लास मार्क सर ये आता है हमको 250, ये डिफरेंस कितने का दोस्तों 500 का है ना, ऐड कर दो, ये कितना होगा आपका 750। दिस कम्स टू 1250, 1750 एंड 2 और 2 50, ये आपका बहुत सिंपल है। अगेन रिपीट, दोनों को प्लस किया कितना हो गया 500 डिवाइड बाय 2 200, ठीक है 1500 डिवाइड बाय 2 750, 2500 डिवाइड बाय 2 1250, 3500 1750, 4500 2250। दिया कैसे निकालना था, मैंने क्या बोला, मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट 250, मेरा हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज निकालना है आपको, जी जी मतलब क्या, गैप, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 500 डिफरेंस, देखिए ध्यान से, ठीक है ये आपका हो गया गैप, ये इसके लिए निकाला हमने, जी के लिए मिल गया आपको। अब ये तो निकाल सकते हैं आप लोग, एक्स की वैल्यू कितनी है 250, ए की वैल्यू कितनी है 250, जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू 750, ए की वैल्यू 250 कितना होगा 500, माइनस किया तो एक्स की वैल्यू 1250, ए की इतना, ये कितना होगा आपका 1000। एक्स की वैल्यू 1750, ए की वैल्यू 250, ये कितना होगा 1500। एक्स की वैल्यू 2250 और ए की वैल्यू 250 कितना होगा आपका ये 2000। देखिए दोस्तों सिंपल था। अब ये निकालना है आपको यू, यू स्टैंड फॉर डी आई, डी आई की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो डिवाइड बाई 500, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे जीरो, ये कितना आएगा 500 डिवाइड बाई 500 वन, यहाँ पर लिखते डी आई की वैल्यू कितनी है जीरो डिवाइड बाय गैप कितना है 500, इसकी वैल्यू कितनी है डी आई की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइड बाय 500, डी आई का वैल्यू कितना है 1000 डिवाइड बाय 500, आंसर इज 2। डी आई की वैल्यू कितनी 1500 डिवाइड बाय 500 कितना आ गया 3, डी आई की वैल्यू कितनी 1500 डिवाइड बाय 2000 है कितना हो गया, आई होप आपको याद है, इसको आपको लिखना नहीं है, ये आपके एक्सप्लेनेशन का दिया हूँ मैंने खाली, ये हो गया आपका। अभी इसका इसका मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, 28 हो गया यहाँ पे, 32 into 2 64, 15 35 45, ठीक है तो टोटलिंग करिए आप लोग, आई थिंक 120 हो गए, 8 और 5 13 14 15 5 20 जीरो कैरी 2 3 2 5 3 8 9 10 2 12, यहाँ पे टोटलिंग करिए आप लोग, 8 और 4 12 12 और 5 17, ठीक है कैरी 1 6 2 8 4 12 12 4 16 177, जरा देखिए इसको आपको इतना क्लियर हुआ क्या। हाँ जी, अभी नेक्स्ट निकलना आपको यहाँ पे यू बार, यू बार कैसे निकलेगा, इस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है तो 177 डिवाइड बाय 120 ये निकलना है आप, इसका जो आंसर आएगा फिर क्या निकलना है आपको, मीन, मीन इज इक्वल टू व्हाट एक्स बार, ठीक है मीन इज इक्वल टू व्हाट एक्स बार, वो कैसे आएगा ए प्लस यू बार इनटू जी, ठीक है ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 250, U का वैल्यू कितना, U निकालना है U बार का, और G का वैल्यू कितना आपको 500 दे दिया गया, 177 डिवाइड बाय 120, 177 डिवाइड बाय 120 कम्स टू 1.47 पॉइंट, देख लेना आप लोग कितना आ गया है, ठीक है यू का वैल्यू मिल गया मुझे 1.475 इंटू जी कितना है 500, गुणा करिए इसका
250 आ गया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.475 इंटू 500, प्लस 250, ठीक है। जगह आपका आई थिंक 987.5 रुपीस आपका आंसर, क्लियर। क्या पूछा था इसमें आंसर में, द मीन ऑफ द फंड्स, द मीन ऑफ द फंड्स इज 987.5 रुपीस, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका कौन सा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करता हूँ वापस से मैं एक हल्का सा रिवीजन 5-7 मिनट के लिए, कोई घाई नहीं। आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, सर हमें क्लास प्रोवाइड कर दिया गया है, लिखा आपने यस। सर क्लास मार्क, सर हर क्वेश्चन में निकाला, डायरेक्ट मेथड बोली है, अज्यूम बोली है, या फिर स्टेप डेविएशन, तीनों में निकालना है, ये हमें आ गया अच्छे से, वेरी गुड। डी आए सर, जस्ट सीखा हमने अभी, ठीक है। डेविएशन कैसे निकालना है, एक्स आई माइनस ए, ए स्टैंड फॉर वॉट, अज्यूम मीन, हमने फर्स्ट वाला अज्यूम किया है 250, ठीक है। तो 250 एक्स आई था और ए कितना, 250 जीरो आ गया। एक्स आई कितना है, 750, ए कितना है, 250 500 आया। एक्स आई कितना है, 1250, ए कितना है, 250 1000 आया, ए 1500 2000। सर यहाँ तक क्लियर हो गया, बिकॉज इसके पहले हमने दो सम किया था अज्यूम मीन का था, वेरी गुड, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या निकाला हमने, यू आई निकाला है, जो कैसे मिले, डी आई अपॉन जी, तो डी आई तो यहाँ मिल गया मुझको, जी कहाँ मिला जी, ये कैप में मिल गया, ठीक है, वो देखते हैं। अब डी आई कितना, जीरो है, ठीक है, गैप कितना है आपका 500 का, जीरो आ गया। डी आई कितना है, 500, गैप भी कितने का 500, 1 आया, डिवाइड किया तो डी आई कितना है, 1000 है, गैप कितना 500, 2 आया, 1500 डिवाइड बाय 500 3, 2000 डिवाइड बाय 500 4 आया, ये आ गया दोस्तों, ये सिंपल है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया मेरे भाई, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको ये आंसर आ गया। आपने ऐसा समेशन लिया 120, इसका 177, आपने डिवाइड किया तो आंसर कम्स टू 1.475, ठीक है। मीन बार कैसे, मीन मतलब क्या होता है आपका, एक्स बार, वो कैसे मिलेगा, देखिए a प्लस यू जी, यू इंटू जी, यू इंटू जी, ये आपको दे दिया गया था। u का वैल्यू कहाँ से आया दोस्तों, u का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये आपका u का वैल्यू हो गया। g आपको दे दिया गया था 500, आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आपका आया, 737.5, फिर आपने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है, कितना आ गया आपका 987.5, क्या है आपका, द मीन ऑफ द फंड इज 987.5 रुपीज, ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन अगर आता है, दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स, श्योर, ये आपको 4 मार्क का आना ही आना तय है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया गया आपको, इट इज ओनली फॉर व्हाट, ये भी आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 से 2000 है, सब कुछ है, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपका 6.1 यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन 6.1 जो ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर का जो भी आपको दिया गया है सॉल्व इलस्ट्रेशन, वो भी घर में बैठ के प्लीज़ सॉल्व करिए। मैंने आपको पहले ही बोला हूँ कि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी एज इट इज पूछ ले रहा है, खाली नंबर्स चेंज कर रहे हैं उसके, ठीक है दोस्तों। तो कंसेप्ट को स्ट्रांग रखो, कंसेप्ट को क्या करना है आपको, स्ट्रांग रखना है। वीडियोज़ को आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए दोस्तों, आप दोस्तों को भी दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कोई तकलीफ नहीं दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो टुडे वी हैव डन विद द 6.1, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट, 6.2, मीडियम से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। और इसमें जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।